हेलो नमस्कार बंधुमार, मैं आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने कैलाश विजयवर्गीय जी को ज्ञापन सौंपा गया, राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश के। इनने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की घोषणा की है। इनने बोला है शिवराज सिंह चौहान जी से बात हो गई, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। एक ज्ञापन दिखा रहा हूँ जो सौंपा गया है विजयवर्गीय जी को, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। इसमें बोला गया अतिथि शिक्षकों का 12 माह का वेतन दिया जाए और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग, कार्यरत अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त न माना जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। और 5वीं है, अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। ये सभी मांगें रखी गई हैं और ज्ञापन सौंपा गया है आज की डेट में। तो मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक पहुँचे थे, विजयवर्गीय जी की गाड़ी रोकी, वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। तो विजयवर्गीय जी ने स्पष्ट बोला है कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को विधानसभा में रखा जाएगा और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमित करवा जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी से बोल के महापंचायत कराई जाने वाली है अतिथि शिक्षकों की, तो उसको लेकर पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। विजयवर्गीय जी क्या कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर, पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो बने रहें।